करते हैं कश्मीर का, कहते हैं कि कामयाबी के लिए सपने देखना जरूरी होता है और सपनों को पूरा करने के लिए जुनून और जज्बा होना भी उतना ही जरूरी है। कुछ ऐसे हैं श्रीनगर के गांव के एक नौजवान की कहानी। यकीन मानिए, बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। सादिक हुसैन इनका नाम है। सादिक हुसैन ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक तरफ गरीबी से लड़ाई लड़ी तो फाइन आर्ट्स की कला सीखने के लिए लगन और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे। आज उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स काफी पसंद की जा रही हैं। सपनों को साकार करने के लिए जुनून का जितना होना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कोशिश का सही दिशा में होना। श्रीनगर के छोटे से गांव में रहने वाले सादिक हुसैन ने अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी लगन से मेहनत ही नहीं की, बल्कि जोश और जज्बे को भी बरकरार रखा। तभी तो आज देश ही नहीं विदेशों तक उनका नाम रोशन हो रहा है। सादिक के लिए अपने पैशन को पूरा करना इतना आसान भी नहीं था। एक तो वो छोटे से गांव में रहते हैं, उस पर से गरीबी उनका रास्ता रोकने के लिए तैयार थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो कर दिखाया जिसे उन्होंने अपने दिल में संजोया था। जो साइन बोर्ड पेंटर्स होते हैं मागाम में, उनसे मैंने थोड़ी सी बेसिक ट्रेनिंग ली थी। वहां से मैं जाता था उनके पास, साइन बोर्ड बनाता था, बैनर्स बनाता था। उस वजह से उससे भी मुझे काफी हद तक हेल्प मिल गई थी। तो साथ साथ में कमर्शियली काम वो था, तो कुछ पैसे भी मिल रहे थे। उन पैसों से मैंने फिर एजुकेशन अपनी जारी रखी। सादिक ने जब अपनी पेंटिंग और फाइन आर्ट्स की पढ़ाई शुरू की तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तो उनको अपने गांव से पढ़ाई के लिए श्रीनगर आना पड़ता था, यही नहीं फाइन आर्ट्स के सामान भी काफी महंगे थे। जो घरेलू कंडीशंस थी, हालात थे मेरे, तो वो थोड़े वीक चल रहे थे उन दिनों। तो उसके लिए फीस वगैरह जो मुझे फेयर देनी पड़ती थी वहाँ मागाम से लेके राजबाग आने तक टाइम, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए। सादिक को उनकी टैलेंट के लिए कई बार पुरस्कार से नवाजा भी गया है। उनके पेंटिंग्स की चर्चा भी चारों ओर हो रही है, जिनकी वजह से अब उनका जीवन आसान हो चला है। इसलिए सादिक पूरे मन से अपने जज्बातों और नजरिए को ब्रश के सहारे कैनवास पर उतारने में कोई कंजूसी नहीं बरत रहे थे और लोग भी उनकी इस कला की तारीफ करते नहीं थक रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।